नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए इस वीडियो सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस वीडियो सीरीज़ में हम सारे वो सब्जेक्ट करवाने वाले हैं जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस। हरियाणा जी के इन सभी ऑफिशियल सब्जेक्ट पर हम टॉप 500 क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगे। इस वीडियो सीरीज़ को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस का रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता, और तब तक इस वीडियो सीरीज़ को लगातार चलाते रहेंगे। और अगर इस वीडियो सीरीज़ को आप अंत तक देख लेते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि जब आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम होगा तब आप बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ को अंत तक देखिएगा। रही बात इस वीडियो की PDF की, तो सारी PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ की PDF भी आप कंप्लीट बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। जो जो बच्चे RPF के फॉर्म भरे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि RPF के अंदर 50 क्वेश्चन GK GS के पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अहम रोल हो जाता है GK GS का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो वो बच्चे भी, RPF वाले बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैटिक GK करवा रहे हैं और स्टैटिक GK सभी एग्ज़ाम्स के लिए लगभग सेम होती है। कुछ क्वेश्चनों में चेंज होता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और रही बात कुछ अगर आप आगे जाके कहेंगे कि करंट अफेयर की भी क्लास लगवा दीजिएगा, तो उसके लिए भी प्रबंध कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल आप स्टैटिक GK पर फोकस कीजिएगा। इसके अंदर हम लगभग हर सब्जेक्ट से टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा लगभग लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हम PYQ क्वेश्चन को की भी जो सीरीज है वो लेके आएंगे। जैसे ही आपके रिटर्न एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, देन हम आपको PYQ क्वेश्चन करवाएंगे। HSSC के लास्ट 5 साल के जो PYQ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करवाएंगे। तो लगभग लगभग 10-12 हज़ार क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करवा देंगे। यकीन मानिएगा इतना कंटेंट आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं देगा, जितना पेड कंटेंट हम यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। और सारा कंटेंट NCERT से लिया गया है, कोई कहीं से कोई फालतू का कंटेंट, कोई बकवास नहीं की गई है। टू द पॉइंट उतना ही पढ़ाने की कोशिश की गई है जितना आपके एग्ज़ाम में आने के लिए संभावित है। आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी का भाग 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 भाग ज्योग्राफी के आ चुके हैं, और उससे पहले ज्योग्राफी से पहले हिस्ट्री के 3 पार्ट करवाए जा चुके हैं। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, 3 पार्ट के टॉप 500 क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। अगर आपने उन सीरीज़ को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उन वीडियो सीरीज़ को भी आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज ज्योग्राफी के 4 भाग को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा भारत का भूगोल, और क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति किस काल में हुई है। तो जो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति है वो किस काल में हुई है, क्या क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है, इओसीन काल के अंतिम चरण में हुई है, ट्रियासिक काल के अंतिम चरण में हुई है, या फिर होलोसीन काल के अंतिम चरण में हुई है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति है ये क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो 66.25 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण कब शुरू हुआ था, 66.25 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, और ये क्रिटेशियस काल के अंत में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है। जो ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इसके अंदर पश्चिमी घाट की पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, क्या जुरैसिक काल में हुई थी, डिवोनियन काल में हुई थी, सेनोजोइक काल में हुई थी, या फिर परमियन काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो पश्चिमी घाट की उत्पत्ति थी ये सेनोजोइक काल में उत्पन्न हुई थी। पश्चिमी घाट का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था। अरावली का निर्माण कब हुआ था, तो अरावली का निर्माण प्री क्रैम्बियन युग में हुआ था। नर्मदा ताप्ती का निर्माण प्लियोस्टीन युग में हुआ था। तो इन सभी का निर्माण आपको याद रखना है, किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो नेक्स्ट 3 में कहा गया अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है। अभी हम ऊपर डिस्कस किए हैं अरावली पर्वत की जो उत्पत्ति है किस काल में हुई है, सेनोजोइक युग में हुई है, सिल्यूरियन युग में हुई है, कार्बोनिफेरस युग में हुई है, या फिर प्री कैम्बियन युग में हुई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो ये जो अरावली की उत्पत्ति है, पर्वत की उत्पत्ति है, ये प्री कैम्बियन युग में हुई है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, केरल का कन्नूर है, केरल का मल्लपुरम है, केरल का एर्नाकुलम है, या फिर केरल का टूटानाड है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, केरल का टूटानाड जो क्षेत्र है वो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुटुनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 1.2 से लेकर 3 मीटर 4 से 10 फीट हो जाती है, ये जो है लंबाई मीटर नीचे खेती की जाती है। समुद्र तल से देख लीजिएगा 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, केरल का टूटुनाड। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, क्या एंडीज है, हिमालय है, रॉकी है, या फिर यूराल पर्वत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हिमालय है वही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं, दक्षिण एशिया के महान हिमालय के शिखर पर स्थित पर्वत जो नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। नेपाली में सागरमाथा कही जाने वाली यह चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया और ऊंचाई 8,848 मीटर बताई गई थी। ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया था। और अभी करंट टाइम की बात करूं तो इसकी कुछ मीटर ऊंचाई और बढ़ी है, मतलब इंक्रीज हुई है इसकी ऊंचाई में, अभी थोड़ा और इंक्रीज़ देखा गया है। और कहा जाता है कि हिमालय अभी अपनी ये बढ़ने की स्थिति में है, अभी इसकी ऊंचाई और बढ़ेगी ऐसा बताया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी कितने किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो कितने किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, क्या 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, 2100 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, या फिर 2600 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान किस काल में हुआ है। जो हिमालय है इसकी सभी श्रेणियां किस काल में उत्पन्न हुई है, क्या टर्शियरी काल में उत्पन्न हुई है, सेनोजोइक काल में उत्पन्न हुई है, डिवोनियन काल में उत्पन्न हुई है, या फिर परमियन काल में उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये टर्शियरी काल में हिमालय की सभी श्रेणियों का जो उत्थान है वो हुआ है। वृद्ध हिमालय का निर्माण ओलोगिसीन युग में हुआ है, इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का जो निर्माण है वो मध्य मायोसीन युग में हुआ है, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया डैश स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। तो कौन सी है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, या फिर गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो महान हिमालय है यही माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में कहा गया माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति कहाँ पर है। तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ पर है, भारत और तिब्बत की सीमा पर है, चीन और भारत की सीमा पर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति है ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित
विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह कहाँ पर अवस्थित है? जो ये कंचनचंगा हिमालय पर्वत है, ये श्रृंखला विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो यह कहाँ पर अवस्थित है पूछा गया है। तीस्ता नदी और तामूर नदी के बीच में अवस्थित है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में अवस्थित है, झेलम और सरस्वती नदी के बीच में अवस्थित है, या फिर कोसी और यमुना नदी के बीच में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कंचनजंगा हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तीस्ता नदी और तामूर नदी के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया अन्नपूर्णा चोटी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जो अन्नपूर्णा चोटी है ये कहाँ पर अवस्थित है? क्या पूर्वी नेपाल में अवस्थित है, उत्तर मध्य नेपाल में अवस्थित है, चीन में अवस्थित है, या फिर तिब्बत में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अन्नपूर्णा जो चोटी है वो कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर मध्य नेपाल के अंदर ये अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है, तो ये महान जो हिमालय है इसके दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? महान हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय कहा जाता है, शिवालिक हिमालय कहा जाता है, या फिर ट्रांस हिमालय कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये लघु हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय कहा जाता है। मध्य हिमालय हिमालय के दक्षिण में स्थित है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दो बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती हैं, पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी पाई जाती है। इतना आपको यहाँ पर ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं सबसे लंबी हैं, तो धौरागिरी श्रृंखला लंबी है, गौरीशंकर श्रृंखला लंबी है, पीर पंजाल श्रृंखला लंबी है, या फिर कंचनजंगा श्रृंखला सबसे लंबी है? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो पीर पंजाल श्रृंखला है ये मध्य हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, जो हिमालय है उसके बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? क्या शिवालिक कहा जाता है, लघु हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है, या फिर ट्रांस हिमालय कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला है, जो कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? क्या देहरादून नाम से जाना जाता है, कोटली दून के नाम से जाना जाता है, पाटली दून के नाम से जाना जाता है, या फिर सभी नामों से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी नामों से जाना जाता है। लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत जो घाटी है उसको देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, इन तीनों सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है शिवालिक क्षेत्र में गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिमी में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक क्षेत्र में गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु से पूर्व में तीस्ता नदी के बीच में फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है, तराई कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है, या फिर उपजाऊ कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भाबर मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में कहा गया भाबर मैदान की चौड़ाई डैश में कम और डैश भाग में अधिक पाई जाती है, तो भाबर मैदान की चौड़ाई कहाँ कम और कहाँ अधिक पाई जाती है? पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर और दक्षिण, दक्षिण और उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो भाबर मैदान है इसकी चौड़ाई पूर्व में तो कम पाई जाती है और दक्षिण में, माफ़ कीजिएगा, इसकी चौड़ाई जो है पूर्व में कम पाई जाती है और पश्चिम में ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? जो भाबर है, भाबर का मैदान है, वहाँ दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? क्या शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं कहा जाता? क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये कहा जाता है तराई क्षेत्र। तो भाबर के दक्षिण में जो दलदली क्षेत्र पाया जाता है उसको कहा जाता है तराई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, पामीर की घाट कहाँ अवस्थित है? तो पामीर की घाट कहाँ अवस्थित है? लघु हिमालय में अवस्थित है, ट्रांस हिमालय में अवस्थित है, शिवालिक में अवस्थित है, या फिर तिब्बत में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पामीर की घाट कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है ट्रांस हिमालय के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये किस हिमालय का भाग है? क्या ट्रांस हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग है, शिवालिक हिमालय का भाग है, या फिर कंचनजंगा का भाग है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये हिमालय का ट्रांस हिमालय भाग है। तो हिमालय का कौन सा भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और सिंधु के बीच के जो स्थित हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सतलुज एवं सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो काली तथा तीस्ता नदियां हैं उसके बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय अभी पूरा हम देख चुके हैं, लघु हिमालय, या फिर ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का भाग आता है उसको नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच लगभग 80 लाख किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को नेपाल हिमालय कहा जाता है। यह पर्वत नेपाल, तिब्बत और तेलंगाना में, माफ़ कीजिएगा, नेपाल तिब्बत में अवस्थित है। यह पर्वत श्रृंखला के पूर्व असम हिमालय में और पश्चिमी में कुमाऊँ हिमालय में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, या फिर सिक्किम हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच का जो हिमालय है का भाग है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? कि चिनाब नदी है, सिंधु नदी है, झेलम नदी है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है? क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा ना, यस, पूर्वी सीमा बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जो पूर्वी सीमा बनाती है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग तांगसंगो कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग तांगसो कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। आज का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया, भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार है, ट्रांस हिमालय है, लघु हिमालय है, या फिर शिवालिक है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगी शिवालिक।
तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन भाग 4 के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन्स है। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके फाइंड कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो करना चाहते हैं तो स्टडी 4 है, 1234 वाला 4 है, पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। और टेलीग्राम जो कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, t.me/study4publicservicecommission करके आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, क्योंकि सारी PDF यहीं पर फ्री दी जाती है। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आने वाली जितनी भी सीरीज होगी, उन सब की PDF बिल्कुल फ्री में यहां पर आपको दी जाएगी। तो चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कितने आप क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्ट ठीक कर पा रहे हैं। और आरपीएफ वाले बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को जरूर से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।